हाय गाइस, आज हम तलेंगे मक्की के पापड़। सर्दियों में बहुत टेस्टी लगते हैं। कुछ इनको खींचे भी बोलते हैं, कुछ मक्की के पापड़ बोलते हैं। ये देखिए, ये मक्की के पापड़ मैंने बाजार से बने बनाए लिए थे। हमारे इधर एक ठेला वाला बेचने वाला आता है, उसके बहुत ही स्वाद और टेस्टी मक्की के पापड़ होते हैं। इनको उसको कैसे तलना है, लोहे की कढ़ाई ली, उसमें तेल गरम रखा। अब उसमें हम एक एक पापड़ को डालेंगे और चिमटे से पकड़ेंगे। ये चम्मच से नहीं तले जाएंगे, चिमटे से पकड़ के तलना है। ये देखिए, इसको टर्न भी कर दें, मोड़ दें, ताकि इसके हर कॉर्नर अच्छे से तल जाएंगे, कोई कच्चापन नहीं रहेगा। ये देखिए, अगर हमने तेल कम चढ़ा रखा है, कढ़ाई छोटी लग रही है, तो इसको हम हाफ टुकड़े हाफ हाफ भी तल सकते हैं। अब इसको झटका दीजिए। ये हमारे मक्की के पापड़, ये रेडी है, शानदार मक्की के पापड़। ये देखिए, जिस तरह की मैंने टुकड़ा करके तल रही हूँ, टुकड़ा करा है इसका, इसको टर्न कर दिया ताकि सारे कॉर्नर डिप कर रहा, अच्छे से सारे कॉर्नर अच्छे से सिक जाए इसके। ये देखिए, ये सर्दी में खाए जाने वाले स्वादिष्ट मक्की के पापड़। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छे से तलना है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरीके से हम कितने भी मक्की के पापड़ तल सकते हैं और आराम से इनको काफी समय तक बैठ के, जब तक 2 दिन 3 दिन 4 दिन खा सकते हैं। आप भी निकल सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। तेल को झाड़ लीजिए,